ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೈನ ಲಾಗು ಬೇಕಾಣ ಅಂತತೆ ಬಂದ್ರ ಮಿನಜಿಗೆ ಟೋಕೆ ಬರೋ ತುಂಬಿ ಕಲ ಬೈಸನ್ನ सुन लिया, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये 22 साल का लौंडा 1 लाख रुपए कमाने वाला, जब हो सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। मतलब ऐसे कौन भाग भाग के बोलता है कि 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। लोग अपना कमाई छुपाता है, लेकिन तो DVR में कौन सा नौकरी करता होगा, तो आगे वीडियो में बने रहे, सब पता चल जाएगा फ्रॉड कैसे है। इस पर धमकी भी मिला है हमको, एक और वीडियो बनाए थे तो धमकी मिला, तो हम कहें एक वीडियो नहीं एक और वीडियो बना देते हैं, एक बार और धमकी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, तो पन अल्लाह वीडियो में आगे, लेट्स गो। ये सारा पैसा अपना सेमिनार में खर्च करते हैं, जहां पे ये सारे सूट पहन के आते हैं। आप अगर वहां पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओबराय की बोर्ड मीटिंग चल रही है। एक्चुअल में सेमिनार पे पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोग चकाचौनी देख के इनको पैसा दे दें, इनके साथ जुड़ जाएं। इनके सेमिनार में देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मिशन पे सारे लोग काम कर रहे हैं और वो मिशन पूरा वर्ल्ड समझ नहीं पा रहा। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी मशहूर नहीं होते और इनका उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, ना तो 1 रुपया मार्केटिंग में खर्च करते हैं, ना ही इनका कोई आप एड देखोगे इनके प्रोडक्ट का। इनका जो सारा इंटरेस्ट होता है वो जो लोगों को जोड़ के जो पैसा मिलता है उसमें होता है। अगर मैं उनकी बात करूं जो अभी इस समय MLM में है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो कि अगर इन्होंने आपको सपने नहीं बेचे होते, फिर वो जो ज्वाइनिंग फीस है उसमें पैसे इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको एक होप मिली थी अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे निकलने की। दूसरी चीज, हो सकता है लोगों की समझ कम हो MLM को लेके, जो इसके पीछे का गुप्त ज्ञान है नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के देखिए। ज्यादा दूर नहीं है, जिस दिन यहाँ से 1 करोड़ 2 करोड़ महीने कमाने वाले भी लोग आपके नजर में आएंगे। देखो, जो इसका चमचा था जो आगे दिखाएं, वो तो 1 लाख महीने का कमाने वाला बन सकते हो, लेकिन इसका जो CMD है मनीष सिन्हा, वो तो उससे भी खतरनाक निकल रहा है, ये तो 2 करोड़ बोल रहा है। तो इतना ज़्यादा कमा के कहाँ रखोगे? सोचो कौन सा नौकरी हो सकता है जिसमें 2 करोड़ महीना मिलता है, बताओ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें काम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। हम एक हमारे दो, इसमें हो गया कि तुम एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले वो 17-18 साल के लौंडे जिनको पैसों की बहुत जरूरत होती है, ये बेचारे गरीबों को इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि उनके बाप दादा ने तक कभी सोचा नहीं होगा कि इतना पैसा कभी उनके पास हो सकता है। तो मैं अनुज जॉनी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी आपके किसी ऐसे दोस्त की कॉल आती है जो आप अपने जज्बातों को काबू में रखे अपने कदम पीछे कर ले, इसी में भलाई है। ध्यान रहे, सतर्क रहे, जय भारत। लेकिन जब तक ये बैन नहीं था तो पहले कंपनीज ये करती थी कि लोगों से पैसा ले लेती थी, उनसे कहती थी कि आप अपने नीचे 3 बंदे जुड़वाओ, जैसे जैसे नीचे बंदे पैसे देके जुड़ेंगे आपके और आपकी चेन में जो ऊपर है उनके पास पैसे आते रहेंगे और ये चेन बढ़ती रहेगी और आप रातों रात अमीर हो जाओगे। ऊपर के जो 1-2 लेयर है वो कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूबता है इसमें। देखिए, एक चेन है जहां पे पहले आपको बेवकूफ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार में ताकि आप दूसरों को बेवकूफ बना सकें। यही रीजन है अगर बैन है अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल। अब आप कहोगे कि अगर ये बैन है और ये इलीगल है तो कंपनियां ऑपरेट कैसे कर रही हैं? देखिए, इस पूरे मॉडल को मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया। आप आज इतना बड़ा मान सम्मान, ये स्वागत, ये फूल, ये माला, ये पैसा, ये रोमांस, ये लाइफ। कभी भी अप्रोचिंग करता हूँ तो अप्रोचिंग करने से पहले आप उसके पूरे डिटेल में जानकारी ले ले, तब अप्रोचिंग करें। भाई साहब, ये लड़का बहुत ज्यादा चतुर है, अगर सही रास्ते पे होता तो सचमुच करोड़पति होता। ये सलमान खान क्यों इतना डायरेक्ट मारा है? क्योंकि पूरा उसका निचोड़ लेता है सब कुछ, और जिसमें वो कमजोर रहता है, जिसमें जैसे उसको ज्यादा पैसे की भूख है तो जहाँ पर उसकी कमी है वहीं पर उसका पेच मारिए, वहीं पर उसका सब कुछ करिए, समझे पंकुलाल? वहीं पे पेच मारेंगे जहाँ पे तुम कमजोर हो। कुछ लोग इसमें होंगे, वो 15,000 कमाता होगा तो उसे 10,000 में अप्रोच करते, क्या कोई आएगा? नो सर। अगर वो 15,000 कमा रहा है तो उसको कुछ और बताइए, सब चीज बताइए। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, क्योंकि हर इंसान पैसा ज्यादा कमाना चाहता और आराम के साथ कमाना चाहता है कि नहीं? छोटू ने बहुत सही बात बोली है भाई, सीखने लायक चीज है। तुम फंसोगे क्योंकि तुम बहुत आसानी से बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ये अब तो समझ लो। अगर सिल्वर अचीव करता है तो उन लोगों को हम लोग ट्रिप में शामिल करेंगे, और साथ में जो लोग सिल्वर अचीव किए हुए उनको भी तहे दिल से बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रिप को अचीवमेंट कर लिया है। जो आपको दे रहा है वो साथ में अपने वीडियो के नीचे एक मोबाइल नंबर भी दे रहा है कि आप कॉल करो ना हमको, और जहां आपने वहां पर कॉल करी आपके पास में दिन की 10 कॉल्स आने लग जाएंगी। अब आप वहां जाओगे, अब वो देखेंगे आपके औकात क्या है, उसके हिसाब से आपको एक प्लान देंगे, वो आपको पुश करेंगे अपने डिजायर्स को बढ़ाने के लिए। उनकी सारी स्पीचेस इसी डायरेक्शन में जाएगी और आपको मजा आएगा, आपको किक मिलेगी, क्योंकि अंदर आपकी नस नस में लालच दौड़ रहा है।
अब वो आपको कहेंगे कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ज्वाइन करो हमारी कंपनी और देखो एक दो साल के अंदर अंदर, तीन साल के अंदर अंदर क्या होता है। अरे मेरे साथ हुआ ना, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब पगला गए आप, अब ना यहां के रहे ना वहां के रहे, अच्छा खासा कुछ कर रहे थे लाइफ में, जहां से कुछ होने वाला था उसको भी छोड़ दिया, अब बेकार के चक्रों में जा करके फंस गए। और उस आदमी को क्या फर्क पड़ता है आप जियो मरो, क्या है क्या नहीं है। आपकी कैपेसिटी थी 1-2 लाख रुपए की, उन्होंने लिया आपसे कुछ, आपको ज्वाइन कराया, उसके बाद में चलो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। इसको मैं भी ज्वाइन किया था 1.5 महीने वहाँ पर था, 24 मई को इसमें गया था, मुझे भी गुमराह करके ले गया था। मेरा एक दोस्त था, वही बोला था कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे दावा पैकिंग वाला काम होता है, 14-15 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा तुमको, यहाँ रहने खाने का कुछ पैसा लगता है। तुमको ठीक है, रहने खाने का पैसा लगता है तो दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम दे दिए, ज्वाइन किए, पूछे कि ड्यूटी कब जाना है। 5-6 दिन तो ऐसे गुमराह करके रखा कि अभी बंद चल रहा है, माल नहीं आया है, ये करके। फिर बाद में पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है, वही बोला कि 2 लोग को तुमको बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ेगा। हम कहे धोखा, तो फिर बोला कि झूठ कौन ना बोलता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि 2 के अगर लाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो वहाँ पे उसने बताया कि 14 हज़ार तुमको महीना मिल जाएगा, 2 का फंसाओ। और सब दूसरे जिससे पूछे सब वही बात एक ही बात। तो फिर भरोसा कर लिए, चलो ठीक है ऐसा ना तैसा। तो बोला कि तुम्हारे ही लाइफ के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए ये सब किए हैं, ये पूरा मोटिवेट कर देता है। वहाँ पे 3 घंटा वहाँ पे या 3-4 घंटा चलता है, 6 बजे से 10 बजे तक चलेगा वहाँ पे मीटिंग सेंटर जिसको बोलते हैं। 200 भर लड़कियाँ रहता है वहाँ पे, 250 सब इसी तरह से बेवकूफ़ बन बन के जाता है वहाँ पे। 4 घंटा सिर्फ मोटिवेशन देगा और वहाँ पे ट्रेनिंग देता है कि कैसे दूसरे लोग को फंसाया जाए, समझे। तो इससे सावधान रहें, इसे फंसने से बचे। और दिखाता हूँ यहाँ पे मेरा यूजर आई डी बना था वहाँ पे, उसको खोल के दिखाता हूँ आगे। तो देखो यहाँ पे काम क्या करता है, देखो मेरा आई डी खुल गया यहाँ पे, सिक्योरिटी लेवल हो गया था 2 के। हम भी 2 के नहीं, 1 को लाए थे, 1 और दूसरा को लाकर दिया था मेरा दोस्त, हमने 1 को बुलाया था। तो देखो ये सब 2 के जोड़े हुए तो 1400 मिलेगा तुमको, सब हो गया। दिखाते हैं इसका कनेक्शन मेन, देखो ऐसे ज्वाइन करना रहता है। हम हो गए हैं, हमारा नीचे 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे जुटते जाता है। ये 2 है जो आई डी लगा हुआ, आई डी आधार कार्ड आई डी लगता है, तब लगाता है। 5-5 हज़ार लिया था आई डी के, अब 20 हज़ार ऐसे 30 हज़ार पानी में घूम गया। तो ऐसे ऐसे होता है काम, इससे सावधान रहो, सतर्क रहो, हम पहले बता दे रहे हैं। और क्या दिखाऊँ। डीवर बाय रिसर्च आयुर्वेदा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मनीष सिन्हा इसका थी है। और देखो इसमें ये सब दिया हुआ, फाउंडर है इसका रवि रंजन, मिस्टर आशिफ रजा, उमेश कुमार समसी, मिस्टर बिच्चा कुशवाहा, दिनेश शर्मा, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस खड़ा करके रखा है। और कुछ भी मध्य प्रदेश की दीपिका पादुकोण। ये जितनों ने वावा किया है ना, सबको अच्छी चिपकी होगी हजारों से। जब एक सुअर कीचड़ से लिपटा होता है तब भी वो सुअर होता है, और जब वो सुअर सफा चट बैठा हो तब भी वो सुअर ही होता है। Once a sewer, always a sewer। बताओ तुम इतने टाइम से सिंगल कैसे हो? मैं तो यार बचपन से ही सिंगल हूँ। हाँ लगते भी हो। गजब बेइज्जती है। अच्छा छोड़ो, और बताओ करते क्या हो तुम? मैं करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या आप चाहते हो महीने का 1 लाख रुपए कमाना? क्या आप चाहते हो आपके पास लंबी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ा बंगला हो? ओ छूटी है। ओ मैडम तमीज से। ओ छूटी है जी।